नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा परीक्षा मूवी के बारे में, जिसे G5 पर रिलीज किया गया है और ये तकरीबन 100 मिनट की मूवी है। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, इसके जो लास्ट के 30 मिनट है, आप अपने आप को भावुक होने से, या मैं कहूंगा कि जो ज्यादा दिल का कमजोर है वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। इसे डायरेक्ट और राइट एक इंसान ने किया, प्रकाश झा ने। अब इसकी कहानी के बारे में बता देता हूँ। बुच्ची पासवान, जिसे प्ले किया आदिल हुसैन जी ने। बुच्ची पासवान एक रिक्शा चालक है, उसकी वाइफ जो राधिका है वो एक स्टील की फैक्ट्री में काम करती है, और इन दोनों का एक बेटा है बुलबुल, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। बुलबुल जो है वो पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा मेहनती है। बुच्ची पासवान जो है वो सिर्फ उसका एक ही सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाकर गवर्नमेंट स्कूल से निकालकर उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला जाए, लेकिन स्कूल की फीस हाई होने के कारण वो इस चीज को कर नहीं पाता। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसकी रिक्शा के अंदर किसी का वॉलेट रह जाता है, जिसके अंदर 80,000 रुपये होते हैं, और वो 80,000 रुपये अपने पास रख लेता है, और इससे वो अपने बच्चे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा देता है। और ऐसा नहीं है कि बुलबुल पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बुलबुल पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है, और अपनी ही बस्ती के अंदर छोटे छोटे बच्चों को वो ट्यूशन प्रोवाइड कराता है। बुलबुल जब स्कूल में जाता है, तब जो रईस माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बुलबुल अपनी बुद्धिमत्ता से उन सबका दिल जीत लेता है और वो उनके दोस्त बन जाते हैं। बुच्ची के पास जो पैसे थे जो उसने इकट्ठे किए थे, वो सारे के सारे अब खत्म हो चुके हैं, और रिक्शा चलाकर उतने पैसे वो कमा नहीं पा रहा जिससे कि वो फीस भर सके। और अब कुछ दिनों के अंदर 10th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, और टाइम टू टाइम फीस भरनी भी जरूरी है। अब बुच्ची पासवान जो है वो चोरी करना शुरू कर देता है। पहली बार चोरी करता है, लेकिन अगली बार जब चोरी करता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। ये इंसान जो चोरी कर रहा था, उसके पीछे एक ही मकसद था, ताकि उसका बेटा जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके और उसकी फीस वो टाइम टू टाइम भर सके, और जो इस वो गरीबी के दलदल में दबे हुए हैं वो उससे बाहर निकल सके। और जो इसके अंदर बाप बेटे का जो एक रिलेशन दिखाया गया वो कमाल का है, बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। बुच्ची पासवान ने चोरी की वो गलत है, लेकिन अपने बेटे के लिए की वो सब। तो ये क्या पॉसिबल है? क्या इस चीज की गारंटी है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला ही बच्चा कामयाब होगा? जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे? ये जो सोच बना रखी है समाज में, इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बात कहूंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस चीज को खत्म करती है। वो 5th क्लास तक बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बट कुछ लोग जैसे बुच्ची पासवान जैसे लोग जो इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो सोच है वो समाज के उस धनी परिवार की दी गई है, जो ये सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा ऊपर है। बुच्ची को पुलिस पकड़ लेती है, अब उसका बच्चा क्या एग्जाम दे पाएगा? और जो एक अमीर वर्ग, जो बुच्ची पासवान जैसे रिक्शा चालक के बच्चे का उसकी उस स्कूल में पढ़ना, जहां पर जो रईस लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, जो उनको पहले से इस चीज की तकलीफ थी, उन चीज में गुस्सा था, जब उनको यह पता चलता है कि बुच्ची पासवान चोरी करते हुए पकड़ा गए, तो अब उनके उनका रिएक्शन क्या होने वाला है? सब इन सब चीजों को देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस चीज के अंदर, इस मूवी के अंदर जो मुझे एक और चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो थी एक IPS ऑफिसर का जो किरदार निभाया गया, वो कमाल का था। एक अंडरस्टैंडिंग इंसान दिखाया गया यार, बहुत कमाल की और ब्रिलियंट एक्टिंग की है। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं आदिल हुसैन जी की, यार इतनी कमाल की परफॉर्मेंस है कि आप इस इंसान को देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक कोई मूवी देख रहे हो, आप लगेगा कि एक रियल में आप रियल सिचुएशन देख रहे हो। इतनी खतरनाक तरीके से वो डेवलप इन्होंने किए, मतलब वो उस कैरेक्टर के अंदर ढल गए हैं। पैसों की अहमियत एक गरीब परिवार के लिए क्या होती है, इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। और लास्ट के 30 मिनट ये मूवी आप लोगों को सच में यार रुला देगी। और जिसका दिल कमजोर है तो मैं यही कहूंगा, यार अपने दिल को थाम के बैठना, रोक के बैठना, थोड़ा मजबूत करके बैठना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप रोने वाले हो। खैर, मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9.5 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो मैं यही कहूंगा कि यार एक बहुत बेहतरीन वर्क आप मिस कर रहे हो, एक बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, एक बहुत अच्छी ज्यादा बहुत अच्छी स्टोरी आप उस चीज को मिस कर रहे हो, तो जाकर देखो और आपको पता चलेगा। एक बहुत बड़े प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, बहुत अच्छे आप कहोगे कि रुपयों की जरूरत नहीं होती, कम रुपयों में एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक यादगार मूवी बनाई जा सकती है, और परीक्षा वैसी ही मूवी है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।